खबर वही जो हो सही। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स। बांद्रा रंग शारदा ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस सूफी रब्बानी ट्रस्ट ऑर्गेनाइज बाय रब्बानी फाउंडेशन मुंबई। यहां पर मुंबई की नामी ग्रामी हस्ती उपस्थित थे। आशीष शेलार एजुकेशन मिनिस्टर मुंबई, महापौर विश्वनाथ महादेश्वर, सूफी संत हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के सूफी प्रेमी उपस्थित थे। आइए देखते हैं उन लोगों ने सूफी प्रोग्राम के बारे में क्या कहा। महा इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि की रिपोर्ट। All people coming together for equality, peace, harmony. Sufis from all over the country. We need this in the United States as well. सर जिस तरह से आपने बात की है ऑल नेशन की सूफीज्म की लेकर के क्या लगता है कि इंडिया इज द ग्रेट ऑफ द सूफीज्म इन द ऑल द वर्ल्ड? आई थिंक सो। आई थिंक द एग्जांपल दैट इंडिया इज सेटिंग राइट नाउ, दिस इज हाउ वी शुड लिव टुगेदर एंड ऑनेस्टली फ्रॉम ऑल रिलीजियंस, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ऑल ऑफ अस टुगेदर इन पीस, इक्वालिटी। यहाँ पर आपने देखा ऋषि मुनि है, डॉक्टर साहब है, यहाँ पर तमाम मजहब के लोग हैं, मुस्लिम्स है, सिख है, क्रिश्चियंस है, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये सारे सूफीज्म का प्रतीक है। ये कोई एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये जो सूफीज्म प्रेजेंट कर रहे हैं। और सूफीज्म एक सोच का नाम है जो हर एक मजहब में है, और सूफीज्म जो दरगाहों से उनको मिलता है, जो सूफियों से मिलता है, उस मैसेज को आम करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उस बिहाफ पे हमने सूफी कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि हमारा अमन और अमान का जो मैसेज है वो डोर डोर हर किसी तक पहुंचे। ये सूफीज्म क्या है? ये रब्बानी जो फाउंडेशन आपकी है जी, वो और कौन कौन से मतलब मुल्क में ये मतलब स्टेट्स में कराना चाह रहे हैं? मतलब बम्बई छोड़ के जो है ये आपने अगर आप देखोगे रब्बानी फाउंडेशन के बिहाफ पे यहाँ पर लोगों को पूरा महीने भर का राशन मिलता है, मेडिकल हेल्प मिलती है। हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, गरीब जो रास्ते पे सोते हैं उनके लिए प्लास्टिक का इंतजाम, चादरों का इंतजाम, ये हम करते हैं। हम हमारे एंड से हॉस्पिटल्स में बेड प्रोवाइड कराते हैं, स्टैंड्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें रब्बानी फाउंडेशन हर सोशल वर्क में गरीबों के साथ, मिस्किनों के साथ, जो लेवल पे हमारी फाउंडेशन हेल्प कर सकती है हम वो हेल्प को पूरे घर घर पहुँचाने की कोशिश करते हैं, हमसे जितना हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हज़रत रब्बानी पीर साहब फाउंडेशन, रब्बानी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस ऑल इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर उपस्थित नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सैयद गयूर हसन रिजवी साहब, मुंबई शहर के हमारे मेयर सम्माननीय विश्वनाथ महाडेश्वर साहब, मंच पर उपस्थित एम्बेसडर फॉर पीस विश्वगुरु डॉक्टर लोकेश योगी जी, अमीन पठानी जी प्रेसिडेंट दरगाह ख्वाजा अजमी दरगाह, हजरत सदर मौलाना असलम या रफी, हजरत शमीम मुनानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स पटना कॉलेज, हजरत मैयर मियां रदौली शरीफ, हजरत नसरुद्दीन चिश्ती अहमदाबाद, हजरत सैयद जाफर इकबाल जीके, हजरत सैयद हमाद निजामी, हजरत गुलाम किबरिया साहब चिश्ती, सैयद बाबर अशरफ साहब, राम पुनिमिया जी, वसीम खान हमारे जो मेंबर दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी के, और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव। सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बांद्रा में, इस मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत और स्पेशली यहां पर इसके लिए स्वागत करता हूं क्योंकि जहां पर आप पधारे हैं इस जगह का चुना हुआ नुमाइंदा एमएलए मैं हूं, इसके लिए मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका स्वागत। और साहब आपको सुनने के बाद मेरे मन में कोई रंजिश और गुंजाइश बची नहीं कि बांद्रा में, मुंबई में और इस देश में अमन और शांति के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह की बात बहुत लंबी तक मैं तो पूरा इंप्रेस हुआ उनके स्पीच से। रब्बानी पीर रब्बानी फाउंडेशन के तरफ से जो अच्छा प्रोग्राम
क्या लिया, उसके लिए मैं बहुत थैंक्सफुल, थैंक्स फॉर पीसफुल प्रोग्राम ही हैज बीन अरेंज हियर, और आपने इस प्रोग्राम के लिए बुलाया इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार। बहुत से मुसलमान हिंदू के होटल में खाना नहीं खाते थे, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो समाज में आता बहुत दिनों से होता आया है, ये नई बात नहीं। ये एक व्यक्ति जिसने एक मुस्लिम आदमी के हाथ से खाना लेने से मना किया, इसको मीडिया और सोशल मीडिया में बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। इसमें एक आदमी के मना करने से कुछ नहीं होता, और जो कंपनी है उसने भी कहा कि खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना तो सभी धर्म के लोग खाते हैं, इसलिए खाने का कोई धर्म, इसलिए इस बात को बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए इसको। ठीक है, आप देख रहे हैं।